हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के तीन इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो फर्स्ट इवेंट है वो है ऑन कॉपी एंड द सेकंड वन इज़ ऑन कट एंड द थर्ड वन इज़ ऑन पेस्ट तो आज की इस वीडियो में हम ऑन कॉपी ऑन कट एंड ऑन पेस्ट इवेंट्स के बारे में देखने वाले हैं हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इन इवेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और इनको हम एग्जैक्टली exactly क्यों यूज़ करते हैं सो so, देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगन सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एच का डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा एज यू कैन सी हेयर कि मैं ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर चुका हूँ माई फाइल डॉट एच के नाम से और इस डॉक्यूमेंट को मैंने गूगल क्रॉम में भी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर चुका हूँ सो एज यू कैन सी हेयर कि अभी के लिए यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैंने हेडिंग में लिख दिया है ऑन कॉपी ऑन कट एंड ऑन पेस्ट तो ये तीन इवेंट्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है ऑन कॉपी मतलब कि ये इवेंट उस वक़्त ट्रिगर करेगा जब आप किसी चीज़ को कॉपी करेंगे ऑन कट ये उस वक़्त ट्रिगर करेगा जब आप किसी चीज़ को कट करेंगे एंड सिमिलरली ऑन पेस्ट जो है वो उस वक्त ट्रिगर करेगा जब आप किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे सो वन बाय वन इन तमाम के बारे में देख लेते हैं किस कि तरीके से हम इनको यूज़ कर पाएंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ देता ले हूँ और लॉरम ऐड करूंगा एंड देन टैब का बटन प्रेस करूंगा सो यू कैन सी हेयर के अभी जो डमी टेक्स्ट है वो इसमें ऐड हो चुका है एंड यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा सो यू कैन सी हेयर के अभी यहाँ पे ये यह टेक्स्ट जो है पैराग्राफ जो है वो आ चुका है तो इसके ऊपर बेसिकली मैं भी टेस्टिंग करने वाला हूँ सो so ये जो पैराग्राफ है इसको हम एक आइडिया साइन कर लेते हैं जिसका लाइक like मैं यहाँ पे माए uh, यहाँ पैरा के नाम से मैं कर लेता हूँ सो यू कैन सी हेयर कि इसको मैंने आइडिया साइन कर दिया पैरा अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को कोई भी बंदा कॉपी करे जैसा एक like अगर हाफ कॉपी करता है या फुल कॉपी करता है इट्स अप टू हिम बट अगर वो राइट right क्लिक करके कॉपी करता है या अगर कीबोर्ड के शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करता है तो कॉपी करने पे एक अलर्ट आ जाए या मे बी कंसोल में हम कुछ शो करवा लेते हैं कि यू हैव कॉपीड दिस टेक्स्ट तो किस तरीके से हम करेंगे वो देखते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आऊँगा और चूंकि हम पैरा के ऊपर करना चाहते हैं ऑपरेशन परफॉर्म तो हमें पैरा को ही टारगेट के अंदर ऐड करना पड़ेगा सो so, सिंपली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ टारगेट के नाम से एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी पैरा डॉ इसको हम यहाँ पे सेमीकोलन एड कर देते हैं सो हमने क्या किया कि जो पैरा वाला है जो बेसिकली आई डी था पैरा उसके थ्रू इस पैराग्राफ को पकड़ा और हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया टारगेट के अंदर मतलब कि अब हमें अगर पैरा के ऊपर कुछ भी करना है तो वो हम इस टारगेट के वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं सो so, सिंपली अब हमें क्या करना था ऑन कॉपी वाला जो इवेंट है वो लगाना था सो so, सिंपली मैं so, यहाँ पे आऊंगा सो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा टारगेट डॉट एट इवेंट लिस्टनर अब हमने जो इवेंट यहाँ पे ऐड करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट लाइक ऑन कॉपी वाला इवेंट हमने ऐड करना था सिंपली so, मैं यहाँ पे कॉपी लिखूंगा यहाँ जस्ट लाइक ऑन अगर आपने ऑन कॉपी करना होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट लाइक ऑन कॉपी मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ लेकिन चूंकि मैं जे में लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉपी ऐड करना पड़ेगा एंड सेकेंड पैरामीटर के अंदर हमारे पास फंक्शन आ जाएगा जो एग्जैक्टली exactly हम रन करना चाह रहे हैं जब कोई भी बंदा इस टारगेट के ऊपर कॉपी वाला इवेंट को ट्रिगर करेगा सो so सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा अब हमने फंक्शन भी लिख लिया अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक कंसोल ऐड कर दे कंसोल डॉट लॉग और कंसोल में एक लॉग ऐड कर देगा बेसिकली कि यू हैव कॉपीड द टेक्स्ट सेव करने वाला हूँ एंड देन यहाँ पे आऊँगा रिफ़्रेश करूँगा और साथ ही साथ हम कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके आ, कंसोल भी ज़रा ओपन कर लेते हैं सो यू कैन सी हेयर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ सो so अभी के लिए मैं दोबारा से एक दफ़ा रिफ़्रेश कर रहा हूँ अब मैं ये डेस्क मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा एंड देन कॉपी पे प्रेस कर दूँगा सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर उसने एक अलर्ट शो करवा दिया यू हैव कॉपीड दिस टेक्स्ट तो मतलब कि जस्ट लाइक हमने इससे क्या किया कि जब भी कोई बंदा कॉपी पे क्लिक कर रहा है तो हमने एग्जैक्टली exactly एक इवेंट को ट्रिगर कर दिया अब लाजमी नहीं है कि कोई जस्ट लाइक like इसको सेलेक्ट करेगा और राइट right क्लिक करके ही वो कॉपी करेगा वो डायरेक्टली अपने की से भी कर सकता है जस्ट लाइक आपको पता है कि कॉपी के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस सी होती है तो सिंपली अगर मैं अपने की से कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर रहा हूँ सो यू कैन सी हेयर कि वहाँ पर नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि बार बार जो है वो कंसोल में लॉग ऐड करता जा रहा है तो so, इसी तरीके से हम बाकी के इवेंट्स में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम काम करेंगे जिसका लाइक ऑन पेस्ट का इवेंट है या मतलब ऑन कट का इवेंट है तो चूंकि ये एक पैराग्राफ है इसके ऊपर लाइक अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो कट की ऑप्शन नहीं आ रही तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एक और हम एक इनपुट बना देते हैं उसके ऊपर ऑन कट का जो इवेंट है उसको भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है सो चलते हैं अगेन कोड की तरफ एंड यहाँ पर मैं एक इनपुट बनाऊंगा सो इनपुट क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखने वाला हूँ इनपुट एंड टाइप टू आ जाएगा टैक्स सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं जब भी रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि यहाँ पे इनपुट जो है वो हमारे सामने शो हो चुकी है लेकिन हम इसको स्टाइल कर लेते हैं थोड़े से सा इसका साइज वगैरह जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं स्टाइल इक्वल्स टू वेट में कर लेता हूँ टू हंड्रेड पिग्जल्स एंड सेम लाइक हाइट जो है वो हम कर लेते हैं वन हंड्रेड पिगजल्स एंड फॉर्म साइज जो है वो ट्वेंटी पिग्जल्स कर लेता हूँ सेव करता हूँ दैन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं एंड यू कैन सी हियर कि अभी ये हमारे पास इनपुट क्रिएट तो हो चुकी है लेकिन आई थिंक हमने इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा दे दी है तो so सिंपली मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ सेव करूँगा अभी भी काफ़ी ज़्यादा है थर्टी कर लेते हैं सो आई थिंक अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है और यू कैन सी हेयर कि अभी जो भी हम यहाँ पर टैक्स लिख रहे हैं वो यहाँ पर आ रहा है तो अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैंने यहीं से मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ जैसे ही मैं कॉपी करूँगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अलर्ट आ चुकी है कि यू हैव कॉपीड द टेक्स्ट कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ सो so, ये यह यहाँ पे पेस्ट हो चुका है लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये लोरम जो यहाँ पर दिखा रहा है इसको मैं राइट क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी हेयर कि अभी यहाँ पे कट की ऑप्शन जो है वो आ चुकी है सो so, अब मैं कट का इवेंट जो है उसको ट्रिगर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके हमें अब क्या करना पड़ेगा चूँकि अब हमें कट का जो इवेंट है वो ऐड करना है इस इनपुट के ऊपर कि इस इनपुट के ऊपर जब कोई बंदा कट करे तो सिंपली मैं यहाँ पे आई डी साइन कर दूंगा इनपुट के नाम से यहाँ माई इनपुट कर लेते हैं इसको ताकि इनपुट जो है वो कोई रिजर्व वर्ड ना हो एंड टारगेट को हम डुप्लीकेट करेंगे टारगेट वन कर देता हूँ या टू कर देता हूँ इसको एंड टारगेट टू करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ माए इनपुट मतलब जो आई है माए इनपुट का वो मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया अब मुझे क्या करना है कि टारगेट के ऊपर इवेंट एड करना है सो सिंपली मैं इसी कोड को यहां से कॉपी करने वाला एंड देन अगेन पेस्ट कर दूंगा एक दफा और टारगेट की बजाय पे आ जाएगा टारगेट टू अब टारगेट टू के ऊपर हमने लिसनर लिसनर कौन सा ऐड करना है इवेंट हमें यहां पे ऐड करना होगा कट वाला सो so सिंपली मैं यहां पे लिख दूंगा कट अगेन आप अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑन कट ही लिख सकते हैं या ऑन कॉपी भी लिख सकते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन मैं चूंकि जेएस के थ्रू कर रहा हूं तो यहां पर मैं

इसको मैं राइट क्लिक करके कट कर लूंगा सो यू कैन सी यर यू कट द टेक्सट है वो यहाँ पे लिखा आ चुका है तो इस तरीके से मतलब आप कुछ भी जहां कर सकते हैं कॉपी के ऊपर या कट के ऊपर इसी तरीके से पेस्ट का भी हम देख लेते हैं सो so सिंपली इसी जो टारगेट टू है इसके ऊपर हम पेस्ट का भी एक इवेंट लगा लेते हैं सो so इसी को मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ कॉपी करने के बाद मैं अगेन इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे हम लिख देंगे टारगेट टू ही रहने देंगे लेकिन कट की जगह पे आ जाएगा पेस्ट सो पेस्ट पे हमें क्या करना है व पेस्टेड द टेक्स्ट सेव करूँगा अब यहाँ पे आऊँगा और मैं रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू विल सी कि जब भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ जैसा एक मैं इतनी ही लाइन कॉपी कर लेता हूँ अब यहाँ पे आ चुका है यू हैव कॉपीड द टेक्स्ट अब मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो अब उसने पेस्ट वाला जो इवेंट हमने लगाया था इनपुट के ऊपर उसको ट्रेगर कर दिया और यहाँ पे शो हो चुका है यू हैव पेस्टेड द टेक्सट और अब अगर मैं यहाँ से सिटेमेट को या किसी भी चीज़ को यहाँ से कट कर लेता हूँ सब आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे हमें अलर्ट दे रहा है कि आपने इन टेक्सट को कट किया है अब लाजमी नहीं है कि हमें सिर्फ ये अलर्ट्स ही यहाँ पे शो करवानी है लेकिन इन इवर्ट्स का यूज़ करते हुए हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे लाइक अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ तो कट करने पर मे भी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए मे भी मतलब कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा एलिमेंट जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ या एड करना चाहता हूँ वो हो जाए तो डेफिनेटली वो आप कर सकते हैं क्योंकि इवेंट का आपको पता लग गया इवेंट के ऊपर आपने स्टेटमेंट कैसे ट्रिगर करनी है उसका आपको पता लग गया तो अब यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग करवाएं या कुछ और लिखें वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बर्स करें एक इसी पैराग्राफ पे कर, कर लेते हैं कि जब ये कॉपी होगा जैसे लाइक यहाँ पे शो हो चुका है यू हैव कॉपीड द टेक्स्ट तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके साथ ही जो हमारी पैराग्राफ यहाँ पे आ रहा है इस पैराग्राफ की एक बैकग्राउंड एड हो जाए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टारगेट डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस सॉरी यहाँ पर सी एस एस नहीं आएगा स्टाइल डॉट आगे हमने बैकग्राउंड कलर चूके चेंज करना है तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख दूँगा और यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल रेड सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी के जब भी मैं इसको कॉपी करूँगा यू कैन सी के इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका साथ में कलर भी चेंज हो जाए और वो हो जाए वाइट तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कलर और यहाँ पे आ जाएगा वाइट सेव करूंगा देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूंगा सो भी आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ का जो कलर है वो ब्लैक है लेकिन जब भी मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा यू कैन सी कि अभी इसका कलर वाइट हो चुका है और बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो चुका है और टेक्स्ट भी जो है वो हमारा कॉपी हो चुका है अब मैं ये चाहता हूँ कि जब यहाँ पे पेस्ट हो तो पेस्ट होने के बाद इस इनपुट की बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो के मे भी येलो हो जाए या किसी और कलर में हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे पेस्ट के इवेंट में आएंगे और यहाँ पे आके लिख देंगे टारगेट टू डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो कर देते हैं इसको एंड सेव करूँगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड अब आप देखेंगे जब भी मैं टेक्स्ट को बोर्ड के कॉपी कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो चुका है अब मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा तो इनपुट पे चुके हमने अप्लाई किया तो इनपुट का जो कलर है वो येलो हो चुका है अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ से कट करूँ तो इसका जो कलर है वो चेंज होकर कुछ और हो जाए तो सिंपली मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट करने वाला हूँ कट में जाऊँगा एंड यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिल्वर कर देता हूँ सो यू विल सी सेव करने वाला हूं मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कॉपी किया कॉपी हो चुका है अब मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा तो अब ये येलो कलर में आ चुका है और अब अगर मैं यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो है वो सिल्वर कलर में आ चुका है अब अगर मैं इसी टेक्स्ट को जो मैंने कट किया यहीं पे दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ तो दोबारा इसका कलर जो है वो येलो हो चुका है तो अभी तो सिंपल हमने कलर चेंज किए या तो फिर इन इवेंट्स के ट्रिगर होने पे हमने कुछ लॉग्स में जो कंसोल डॉट लॉग किया लॉग्स वहाँ पे शो करवाए लेकिन आप इस पर कुछ भी कर सकते हैं जब ये एवं ट्रिगर होंगे तो डेफिनेटली मेन जो आज का मकसद था यूनिवर्स को कवर करने का वो ये था कि अगर आप चाहते हैं कि एक यूज़र जब कट करे कॉपी करे या पेस्ट करे तब आप कुछ करना चाहते हैं आप कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकें जो कि आपको जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू अल्लाह हाफिज